हे एवरीवन, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैमर। हरियाणा के राजवीर सिंह जो इतने बोल्ड है, उन्हें काफी अजीब सी चीजों से डर लगता है, जैसे माचिस जलाने से डर और चाकू से डर। कार में बैठते ही उन्हें हमेशा ये डर सा लगता है कि कोई उन्हें पीछे से चाकू न मार दे। खैर, राजवीर खुद अपने इन फियर्स पर हंसते हैं। शाय, साइलेंट एंड ऑब्जर्वर, इन तीन शब्दों में खुद को समराइज करने वाले एक्टर राजवीर किस तरह इंट्रोवर्ट होकर भी एक्टिंग फील्ड में आ पाए, हरियाणा के छोटे से गाँव की किसान फैमिली से आने की जर्नी उन्होंने कैसे तय की, क्यों बचपन में उनके फ्रेंड्स उन्हें किलर बुलाया करते थे, कौन है वो लड़की जिसे राजवीर जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से डेट कर रहे हैं, और क्यों राजवीर इस इंडस्ट्री में किसी को अपना दोस्त नहीं मानते। राजवीर सिंह की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही हर पॉसिबल बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। राजवीर सिंह का जन्म 4 सितंबर 1986 को यूपी में हुआ था, जहां उनके फादर आर्मी में पोस्टेड थे। बट 11 दिन बाद ही वो राजवीर को अपने होम टाउन जज्जर हरियाणा की बहादुरगढ़ सिटी में लेकर आ गए और वहीं उनकी परवरिश हुई। इंटरेस्टिंगली, उनके माँ पापा दोनों ही 4 जनवरी को सेम बर्थ डेट शेयर करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दाबोदा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की। तब वहाँ स्कूल के उनके कुछ फ्रेंड्स ने नया वर्ड सीखा था, किलर, और राजवीर के पापा क्योंकि आर्मी में थे तो वो लोग उन्हें मजाक में किलर ही बुलाने लगे। खैर, उनके फादर एक किसान फैमिली से थे और उनकी फैमिली में या तो देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन की जाती थी या फिर परिवार की सेवा के लिए खेतीबाड़ी। उनके फादर को छोड़कर दादा, चाचा, ताऊजी और उनके बच्चे ज्यादातर सभी फार्मिंग ही करते थे। वहीं राजवीर के फादर ने भी आर्मी से रिटायरमेंट के बाद पहले दिल्ली पुलिस ज्वाइन की और उसके बाद घर आकर खेती से ही जुड़ गए। क्योंकि राजवीर ने बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाया था, इसलिए उन्हें बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की भी नॉलेज थी। एंड राजवीर ने अपनी फैमिली ट्रेडिशन का सेकेंड ऑप्शन चूज किया और 10th क्लास तक यानी 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी फैमिली के साथ फार्मिंग में हेल्प की। पर राजवीर का इंटरेस्ट बचपन में कुछ सालों तक तो साइंटिस्ट बनने का था, बट क्योंकि उन्हें मैथ ज्यादा खास पसंद नहीं थी, इसलिए उनका इंटरेस्ट टाइम के साथ बदल गया और फैमिली की प्रोफेशन से अलग जाकर उन्होंने एक्टिंग करियर चूज किया, जो उनके लिए जरा भी आसान नहीं था। और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके फादर के लिए भी अपने बेटे का थिएटर की तरफ झुकाव एक्सेप्ट करना इजी नहीं था। पर जैसा कि कहा जाता है, समय सब कुछ ठीक कर देता है। उनकी फैमिली ने भी उनके सपनों को एक्सेप्ट करके उन्हें इसमें करियर बनाने का अप्रूवल दे दिया और वो 2011 में मुंबई आ गए। वैसे वो मुंबई आए थे दिल्ली से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, बट हमेशा से उनका फोकस एक्टिंग में करियर बनाने पर रहा। स्टार्टिंग में उन्होंने डिजिटल और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स में काम किया था और लगातार ही टीवी शोज के लिए भी ऑडिशंस देते रहे। पर 3 साल बाद साल 2014 में जाकर उन्हें उनका पहला शो मिल सका, जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने होस्ट किया था और शो का नाम था इश्क किल्स। इस शो में उन्होंने 3 से 4 एपिसोडिक रोल्स किए थे, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम राजवीर और समर था। बट लीड रोल मिलने में राजवीर को बहुत टाइम लगा और 3 साल बाद वो लीड रोल ग्रैब करने में कामयाब रहे। पंखुड़ी अवस्थी के अपोजिट वो स्टार प्लस के शो क्या कसूर है आमला का में अबीर आनंद के रोल में कास्ट किए गए। ये शो फेमस टर्किश ड्रामा फतमा गुल का इंडियन वर्जन था और न सिर्फ पंखुड़ी और राजवीर की बॉन्डिंग फैंस के बीच पॉपुलर हुई, बल्कि राजवीर की एक्टिंग को भी पहले ही लीड शो से पहचान मिलने लगी। इस शो के बाद ही उन्हें जरून शाह नाम का एक लीड रोल मिला सूफियाना प्यार मेरा में, जिसमें उनके अपोजिट हैली शाह थी और ये शो स्टार भारत पे टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद साल 2020 में उन्हें स्टार प्लस के ही 2 और शोज ऑफर हुए, दिल जैसे धड़के धड़कने दो और कुर्बान हुआ। पर दिल जैसे धड़के शो कोविड की वजह से ज्यादा दिन नहीं चल सका, पर राजवीर कुर्बान हुआ में करण जोटवानी को रिप्लेस करके लीड एक्टर की पोजीशन पाने में कामयाब रहे। इस शो में उन्होंने नील ध्यानी का रोल निभाया था और उनका वो रोल फैंस के बीच आज भी पॉपुलर है। वैसे इस साल वो अमेजोन प्राइम ओटीटी पर बॉलीवुड मूवी मिस्टर कबड्डी से अपना सिल्वर स्क्रीन डेब्यू भी कर चुके हैं। एंड करंटली वो स्टार प्लस के एक और शो उड़ती का नाम रज्जो में सेलेस्टी बैरागी के अपोजिट अर्जुन के रोल में नजर आ रहे हैं और उनके रोल को स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद भी किया जा रहा है। वैसे गजब की बात ये है कि राजवीर ने अब तक जो भी टीवी शोज किए या जो भी शोज उन्हें ऑफर हुए वो सभी स्टार के साथ ही किए हैं। आपको उनके अब तक के रोल्स में से कौन सा रोल सबसे फेवरेट रहा है कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताना। वैसे वो धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, नाना पाटेकर एंड रणबीर कपूर की एक्टिंग को बहुत एडमायर करते हैं और सिंगिंग इन द रेन एंड द फनी गर्ल उनकी 2 ऑल टाइम फेवरेट मूवीज रही है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो राजवीर को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बट वो ज्यादातर टूर्स अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अनागा के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं। 5-6 साल या शायद उससे भी कई ज्यादा साल से वो उन्हें डेट कर रहे हैं
हैं पर अनागा का शोबिज इंडस्ट्री से कोई लिंक नहीं है और वो कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करती है और राजवीर ओपनली अपनी रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करते रहे हैं। पर केवल अनागा ही नहीं, राजवीर के बचपन के दोस्त और उनके बेस्ट फ्रेंड चीची भी इस इंडस्ट्री से नहीं है। इनफैक्ट राजवीर कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है, जिसकी वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है इसका रीजन? क्या राजवीर का खुद एक इंट्रोवर्ट होना या फिर इस इंडस्ट्री में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं बनता या फिर कोई और वजह जो आपको लगती हो, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।